किसान माफी योजना, ब्याज ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बटवाए, मेरे हाथ से भी बनवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोलने जब घर में बेटी पैदा होती थी तो लोग समझते थे कि बोझ पैदा हुआ। कहते हैं कि उनका मोहब्बत का दुकान है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनके मोहब्बत के दुकान में एमपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बन रही है। कांग्रेस नेता सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि कमलनाथ सरकार में 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई और बीजेपी के नेता किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान कर्ज माफी को लेकर अशोकनगर में कहा, कांग्रेस ने 26 लाख फर्जी किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बंटवाए, जिनमें से कुछ मेरे हाथों से भी बंटवा दिए। सिंधिया के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ भी कहें आम जनता गवाह है कि क्या कोई सौदा हुआ, किस प्रकार से फायदे उन्होंने हमारी सरकार से लिए जनता सब जानती है, मुझे इन चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि सिंधिया ने क्या कहा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले के मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में बहादुर गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि भाजपा के लोग आपके लिए संकल्पित हैं। नाम लिए बिना कमलनाथ और दिग्विजय को छोटा और बड़ा भाई कहा। उन्होंने खुद के कामों को मंच से गिराया। कमलनाथ को लेकर कहा कि जब हम उनके पास जाते थे तो कहते थे समय नहीं है, चलो चलो। इसलिए प्रदेश की जनता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री और सिंधिया ने उन्हें कह दिया चलो। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने मंच से जनता से पूछा कि मैंने सही किया या नहीं। भाजपा की सरकार ने 11,50,000 किसानों का ब्याज माफ किया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाए। इस दौरान कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो हमारी ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलता, उल्टा कांग्रेस किसानों से पैसा ले लेती। कांग्रेस ने 26 लाख फर्जी किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बंटवाए, कुछ मेरे हाथों से भी बंटवा दिए। फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सोच ये है कि जान ना जाए, वचन भले ही चले जाए। बहादुरपुर के बाद सिंधिया साढ़ौरा पहुंचे। यहां सभा में कहा, अभी तो युद्ध का समय है, ना पानी ना खाना, हाथ में ढाल तलवार और जनता की रक्षा। यह लड़ाई आपके परिवार को सुरक्षित करने की है। हमारी सोच है जान जाए पर वचन जाए, लेकिन कांग्रेस की सोच है जान नहीं जाए, वचन भले ही जाए। जनता से सवाल पूछा, ऐसे लोगों का बोरी बिस्तर बांध कर सिंध नदी में टपका दोगे। उन्होंने कहा कि जब मैं 2002 में साढ़ौरा आया था उस समय क्या हाल था। मैं गुना से साढ़ौरा नहीं पहुँच पाता था। गुना अशोक नगर पहुँचने में कमर को बचाना मुश्किल होता था। यहाँ के लोग ट्रेन से कहीं जाए तो गुना अशोक नगर से जाकर ही सफर करना पड़ता था। यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुकती थी और ना ही अच्छी सड़कें थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।